रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। नमस्कार। जिंदगी में समझदारी और बचकानापन या यूं कहें बचपना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तालमेल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो बचपना है ये जिंदगी का आनंद बनाए रखता है और समझदारी गलतियां करने से हमें रोक देती है। तो अपने अंदर एक बच्चे और एक बुजुर्ग का तालमेल हमें बिठा कर रखना होता है। तो जिंदगी को मस्ती से एंजॉय कीजिए। कैसे जिए आज के दिन को ये बताने के लिए आज भी आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग और फिर जानेंगे अपने और आपके आज के बारे में, और साथ ही साथ नोट करेंगे ज्योतिष गुरु के अचूक टिप्स, क्या करें क्या ना करें। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 12 दिसंबर 2019 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा है सुबह 10:42 तक, उसके बाद पौष मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। मृक्षरा नक्षत्र है देर रात 6:18 तक, और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज सगाई का मुहूर्त है सुबह 10:42 से रात 10:12 तक। व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त है सुबह 7:04 से शाम 5:37 तक। नए मकान की नींव रखने का मुहूर्त है सुबह 7:04 से शाम 5:37 तक। और मशीनरी और वाहन खरीदने का मुहूर्त है सुबह 7:04 से शाम 7:52 तक। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों के मन में पहले लोगों के प्रति विचार अच्छे थे, पर मन में असमंजस भी बहुत था। अब वो असमंजस दूर हो रहा है और आप अपनों को भली भांति समझना चाह रहे हैं और उनसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। ऐसी ही अच्छी संभावनाएं जिंदगी में नए रिश्तों को जन्म देती है। क्या करना चाहिए समय में, किसी प्यार के रिश्ते को संभालने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि उसमें आपसी मतभेद बना रहे। कोई भी छोटी बात बिगड़ जाए तो मुश्किलें ही पैदा होती हैं। अपनी क्षमताओं को भी सही दिशा में लगाने से फायदा हो सकता है, क्योंकि तभी जाकर आप अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को संभाल पाएंगे। क्या न करें समय में, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और ये आपके लिए खुशियों की वजह हो सकती है, पर इस स्थिति में भी अपने लिए कोई जोखिम ना उठाएं। हालात ने आपकी बहुत मदद की है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में कोई बड़ा खतरा मोल लेकर अपनी स्थिति को कमजोर कर लेना भी ठीक नहीं। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह का तकरार नुकसान की स्थिति को दर्शाता है, और नुकसान की वजह से भी तकरार हो सकता है, पर कुल मिलाकर हालात ये हैं कि शायद लोग आपसे दूरियां बनाए रखें। इसके पीछे आपकी ओर से बनी हुई गलतियां भी नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए समय में, पारिवारिक मुद्दों को भली भांति समझना होगा और संभालना होगा। रिश्तों को वो इज्जत मान जरूर देना होगा जिसके कि वो हकदार है, इसलिए अपने आलोचनात्मक होते हुए रवैये को भी सुधारने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में, अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि आप अपनी गलतियां ना देखें और लोगों की गलतियां निकालते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों का नुकसान भी होगा और पैसे का नुकसान भी होगा, पर उससे भी कहीं ज़्यादा आपके लिए हर तरह का दबाव बना रहेगा जो आपके सुकून को कम करता चला जाए। अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि ये सारी मुश्किलें आपके ऊपर हावी हो जाएं। देखिए, अपने व्यवहार को इतना सख्त मत बनाइए कि सवाल लेते हैं मुक्ता का। डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1991, 9:33 कानपुर में इनका जन्म हुआ है। बेटी के बारे में सवाल पूछा गया है परिवार की तरफ से, मुक्ता जी ने पूछा है, और बेटी का नाम इन्होंने लिखा नहीं है। खैर, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद बाहर जाने का इन्होंने फैसला किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और अनहैप्पी हैं अपने करियर को लेकर, और अब अपना बिजनेस करना चाहती हैं। तो आगे इनका करियर कैसा है, क्या इनको करना चाहिए, और शादी का आगे योग कब तक है, हैप्पीनेस प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, बड़ा उलझा हुआ सा सवाल इन्होंने पूछा है। आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा, उनकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतरदशा चल रही है केतु की सितंबर 2020 तक, और उसके बाद आपकी बेटी को सूर्य की महादशा मिलेगी अगले 6 के लिए। आपने कहा कि वो एम्प्लॉयड है, अच्छी तनख्वाह है, सब ठीक है, लेकिन तनाव में रहती हैं, खुश नहीं हैं। देखिए, इस तरह से सोचना और एक नकारात्मकता अपने ऊपर हावी करते चले जाना एक आदत बन जाती है, जबकि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। कुंडली के हिसाब से देखूं तो आपकी बेटी की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी लगभग अक्टूबर 2020 से, पर वो आदत बनानी पड़ेगी कि हर समय में अपनी अच्छाइयों की ओर देखें और खुश रहें, तभी जाके ज़िंदगी में सुकून मिलता है। जहाँ तक आपने शादी की बात कही, तो शादी अब से 1 के बाद हो सकती है।
देखिए अक्टूबर 2020 से उनको जॉब में सुधार होता दिखाई देगा और खुश रहने की एक आदत उनको बनानी होगी। जॉब में दिक्कतें आती हैं, अब से एक साल बाद उनकी शादी का भी योग बन रहा है, तो देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, उनकी नौकरी भी ठीक है, उसमें भी अच्छा समय आ रहा है। थोड़ा सा उनको अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड बदलना है लाइफ को लेकर। एक साल बाद शादी का भी सुंदर सा समय है। आगे मिथुन और कर्क, अब आपके लिए आज का दिन कैसा समय है देखते हैं ज्योतिष गुरु के नजरिए से, फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वाले किसी का दिल जीतने के लिए अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं, पर लोग आपसे आपके पैसे की अपेक्षा नहीं रखते, अपनेपन की अपेक्षा रखते हैं। इस बात को सही रूप से समझना होगा और इसका आंकलन नहीं आप कर पा रहे। रिश्तों को भी नफे या नुकसान की नज़र से देख रहे हैं आप। क्या करना चाहिए समय? अपनी मेहनत को कम कर लेंगे तो उसका दूरगामी असर होगा और आपकी अच्छी भली स्थिति भी कमज़ोर पड़ती चली जाएगी। इसलिए रिश्तों को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने से ज़िंदगी की स्थिरता बनाना आसान हो जाता है, जबकि अपने मन को उचाट कर लेने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में कोई ऐसी इच्छा ना पालें जिसे फिलहाल अंजाम देना मुश्किल हो, इसलिए अपने व्यवहार में बहुत सारा धीमापन ले आए। हमेशा असंतुष्ट रहने से जिंदगी के मसले हल नहीं होते। कर्क राशि वालों की कामकाज की अच्छाई बनी रहेगी तो घर परिवार में उसका अच्छा असर भी देखने को मिलेगा, पर लोगों की नाराजगियों की वजह को भी समझना होगा। हो सकता है आपके प्रबल होते हुए विचारों की वजह से भी लोग आपसे किनारा कर रहे हो, इसलिए अपने व्यवहार पर भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को संभाले रखना इस समय बहुत जरूरी होगा और किसी भी गलतफहमी के चलते अपना नुकसान करते चले जाने से भी बचना होगा। इस समय की समस्या यह है कि आप अपनी अच्छाई को भी किसी न किसी कमी की नज़र से ही देखते चले जा रहे हैं, जबकि विचार विमर्श करके अपने हालात में बहुत सारे सुधार लाए जा सकते हैं। क्या ना करें समय में? पैसे के लेन देन में तकदीर को आजमाने की कोशिश न करें और लोगों के तर्क को समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ही सही हों। इस समय के हालात को संभालना है तो अपना ही पक्ष रखते चले जाना भी ठीक नहीं। सिर्फ अपना ही अगर पक्ष रखेंगे तो उससे बात बनती नहीं है, हालात संभलते नहीं है, सामने वाले का पक्ष भी समझना पड़ता है। सिंह और कन्या राशि, अब आपका आज का दिन समझते हुए ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे आपके राशिफल के बाद कि आप आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर अपनी एकाग्रता को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपसे मेहनत करवाना चाह रहा है और उस मेहनत का अच्छा फल भी देना चाह रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धियों का दौर है जो आपकी अपनी लगन की वजह से बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों की जरूरतों को पूरा करने का समय है, ताकि जिंदगी की खुशियां भी बनी रहे। रिश्तों के प्रति आपकी अच्छाई हर तरह से बनी हुई है और आपका रुझान भी नजर आ रहा है, इसलिए निजी जीवन के हालात को अपनी कोशिशों से बेहतर किया जा सकता है। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को प्राथमिकता दें और व्यर्थ के बदलाव को करने से पहले एक बार फिर सोच लें, क्योंकि जो चीज़ अपनी कोशिशों से अंजाम दी जा सकती है उसे बार बार बदलाव लाकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। कन्या राशि वालों ने अपनी मुश्किलों को अपनी तवज्जो से संभाला है और इसी वजह से अचानक लाभ के भी योग बने हुए, पर रिश्तों को संभालने के लिए अपने व्यवहार में धीमापन लाने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कोई भी यात्रा या बदलाव आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां खोल सकता है, पर इस समय की अच्छाई इस रूप से भी बनी हुई है कि आप अपने काम में लगन पैदा कर सकें। लोगों से जुड़कर अपनी अच्छाई को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी उपलब्धियों में और इजाफा होता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय? अगर किसी निवेश का अच्छा मौका मिल रहा है तो उसे हाथ से ना जाने दें, बल्कि उसे इस रूप से देखें कि उससे आप अपनों के लिए कितनी खुशियां बना पाएंगे। अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करना है तो अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी वजह से कम ना समझें। अपनी आर्थिक स्थिति पर भरोसा रखिए, उसको किसी से कमतर मत समझिए, अच्छा है बहुत कुछ। सवाल लेंगे, सवाल है जयराज, 25 दिसंबर 1995, राजकोट, 9:45 रात में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, कब तक शादी होगी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनको क्या करना चाहिए ताकि एक अच्छी स्वस्थ सुंदर जिंदगी ये जी पाए? जयराज, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शनि की मार्च 2022 तक। कब तक शादी होगी और क्या करें जिंदगी में कि खुशी आए, सुख मिले, सुकून मिले, ये आपने सवाल पूछा है। सफलता मिलनी चाहिए, उसी से सुख और सुकून मिलता है। शादी हो सकती है मई जून 2021 में और सुख और सुकून पाने के लिए अच्छा समय शुरू हो चुका है। बस
आपको ये बात याद रखनी है कि हर चीज को किसी कमी की नजर से देखने की आदत बिल्कुल ना बनाए। देखिए, मई जून 2021 में आपकी शादी हो सकती है और करियर वाइज तो अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। अब जिंदगी में कमियां मत देखिए, जिंदगी बहुत साथ दे रही है आपका, तो आप भी जिंदगी का ऐसे ही साथ दीजिए। अच्छे से अपने कदमों को प्लान करते हुए आगे बढ़ाइए, सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, तुला और वृश्चिक राशि अब आपके आज के दिन को समझेंगे आपके राशिफल में, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के बदलते हुए विचार हैं, जो आप किसी भी विकल्प को बेहतर तरीके से देखना चाह रहे हैं और उसमें छुपी हुई अच्छाई को समझना चाह रहे हैं, इसी वजह से लोग भी आपसे जुड़ने के लिए हर तरह के कदम उठा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपकी आर्थिक स्थिति अभी भी कुछ ऐसी है जिसमें खर्चे ज्यादा हैं, बचत को बढ़ाने की इच्छा पूरी करने के लिए मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं, पर थोड़ी सी योजना बनानी होगी, अपनी बात बहुत विनम्रता से कहनी होगी ताकि लोगों की अच्छाई आपके लिए हर तरह से बनी रहे। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि रुकावटों की वजह से आपकी कोशिशों में कमी आ रही है। रुकावटें अपनी जगह हैं और वो बहुत सारी आपने अपने मन में बिठा रखी हैं। अपने कामकाज से जुड़े दबाव का सोचकर अपनी कोशिशों को आप कहीं कम ना करते चले जाएं। वृश्चिक राशि वालों की मुश्किलों का कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो वाजिब नहीं है। फैसले भी इसी वजह से गलत हो जाते हैं, क्योंकि इंसान बहुत दूर का नहीं सोच पाता। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति आपकी लगन अच्छी है, लेकिन कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को भलीभांति समझने की जरूरत है और अपने नुकसान को संभाले रखने की भी जरूरत है। किसी भी चीज़ में जरूरत से ज़्यादा पैसा लगाते चले जाने से भी नुकसान की स्थिति बन सकती है। क्या ना करें समय में? लोगों की किसी बात को लेकर बहस में ना पड़ते चले जाएं और खुद को सही साबित करने के लिए लोगों को गलत भी ना ठहराते चले जाएं। हो सकता है पहले से आप लोगों से खुश ना हो, पर ऐसे में उनको कोई चुपती हुई बात कहते चले जाना भी ठीक नहीं। हो सकता है कोई बात आपको दूसरों की पसंद ना हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको कोई चुभती हुई बात कह देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। धनु और मकर राशि, देखिए कुछ भी गलत तो हम आपको करने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप हैं हमारे साथ और हम आपको बताते हैं आपके राशिफल के बाद आप क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वालों के लिए दूर स्थान से लाभ का योग बना हुआ है और रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए भी आपकी सूझबूझ काम आ रही है। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कुछ भी कहने से पहले आप एक बार रुक जाएं और सूझबूझ से अपनी स्थिति का आंकलन कर लें। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में किसी भी तरह का खतरा मोल लेते चले जाने से बचना होगा। लोगों की बातों में आने से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने फैसले संभल कर ही लेने होंगे। ऐसा करते हुए हो सकता है लोग आपसे नाराज हो जाएं, पर अपने नुकसान को बचाना कहीं ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्या ना करें समय में? अपनी ही धुन में फैसले करते चले जाना और अपनी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करते चले जाना ठीक नहीं, इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि किसी विवाद में आप जीत पाएंगे। हो सकता है आप सही भी हों, पर फिर भी किसी विवाद को बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपको अपनों का कितना सहयोग मिला हुआ है। पैसे की बढ़ती हुई जरूरतों को भी थामना होगा ताकि जिंदगी की अच्छाई आपके लिए हर तरह से बनी रहे। क्या करना चाहिए समय में? भाग्यशाली रूप से भी लाभ मिल सकता है और अचानक धन लाभ भी मिल सकता है, पर इस बात से खुश होने के बजाय इस बात पर मनन करने की जरूरत है, क्योंकि उस लाभ को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। अपने फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने फैसलों में कोई ऐसा बदलाव ना करें जिसका बुरा असर बहुत दूर तक जाए। किसी प्यार के रिश्ते को भी इस वजह से बिगाड़ते ना चले जाएं। अपनी क्षमताओं का सही आंकलन ना करना भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। देखिए, क्षमताओं का सही आंकलन करना सीखिए, ऐसा ना करना भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कुंभ और मीन राशि, आपका राशिफल ज्योतिष गुरु बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको आज के दिन को कैसे जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुंभ राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है और लोगों का आपको सहयोग भी मिला हुआ है। अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भी आपको थोड़ा सा भरोसा जगाए रखना होगा। क्या करना चाहिए समय में? सफलता की सीढ़ी इंसान एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ही चढ़ पाता है। ऐसे में लोगों का योगदान बना रहे तो वो बहुत बड़ा सहारा होता है। आपकी सफलता के पीछे भी लोगों की सुंदर भूमिका नजर आ रही है। क्या न करें समय में? घर परिवार की खुशियों को अपने प्रबल होते हुए विचारों की वजह से कम ना करें। पहले से कोई ऐसा नकारात्मक विचार ना बनाएं जो जिंदगी की खुशियों को व्यर्थ में कम करता चला जाए। मीन राशि वालों को पैसे की स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको अपने बनते बिगड़ते विचारों को थामना होगा, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से भी यह नुकसान हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों से तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है जिसे संभालना होगा।
पर ऐसे में हालात पर भरोसा करने के बजाय अपने मन को पक्का करना होगा कि आपको लोगों के साथ जुड़कर चलना है, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें, समय में अपनी सफलता को बढ़ाने के जो भी साधन है उन्हें भली भांति समझ लें। उसमें आपकी मुश्किलें भी छुपी हुई हैं और लोगों की आलोचना भी छुपी हुई है, तभी जाकर आप जिंदगी में आगे बढ़ पाए हैं। इसलिए उन लोगों का धन्यवाद देना ना भूलें जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है जिंदगी में, उनका शुक्रिया जरूर अदा कीजिए। कृतज्ञ होना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। बहरहाल, राशिफल की बात तो हो गई, टिप्स की बात भी हो गई, बाकी है बात जैकपॉट की। मिथुन राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले चार मंगलवार को किसी मंदिर में जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। आपका व्यवहार व्यर्थ में सख्त होता चला जा रहा है, जिसे किसी न किसी आशीर्वाद के रूप में संभाले रखने की भी जरूरत है। ऐसे में ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए कि जिंदगी में बहुत ज्यादा बचपना भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं होना है, दोनों का तालमेल रखना है। और ये तालमेल बनाए रखेंगे हम ज्योतिष गुरु की मदद से, यूं ही हमेशा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।